खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के, जहां पर उप जिला अधिकारी ने क्षेत्र के गांव सिनोली से अवैध बालू खनन ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा, जिसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। गंगा की कटरी की तरफ से अवैध बालू खनन से गहरे गड्ढे भी हो चुके हैं, जिनसे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लगभग 11:30 बजे SDM महोदय कायमगंज के द्वारा ये पकड़ा गया और इस पे खनन अधिनियमों के तहत उस पे कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर वाहन स्वामी से वाजिब जो जुर्माने हैं वसूले जाएंगे और उसके बाद अवमुक्त किया जाएगा। जी सर, क्षेत्र में काफ़ी मतलब इस समय खनन चल रहा है, इस बारे में सर क्या कहेंगे? खनन तो चल ही रहा हर जगह। एक चीज़ तो जान लीजिए कि पूरा जो क्षेत्र है गंगा का क्षेत्र है और लोग जहाँ से बंद कर रहा है वहीं से बालू निकाल रहे हैं, तो इस पर बहुत हद तक काबू तो पाया गया है, लेकिन 100% तो काबू पाना उचित मतलब संभव नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे उठाए जाएँ बालू के, जिससे उस पर काबू पाया जा सकता है। जहाँ भी अवैध खनन किया जा रहा है वहाँ पर पट्टे उठा दिए जाएँ, तो इस तरह से काबू पाया जा सकता है मुझे लगता है जहाँ तक।